क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का टेस्ट वेरिएंट इंग्लैंड में है तो लिमिटेड ओवर वेरिएंट लंका में है और फाइनली आज शाम सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। लंबे समय से खिलाड़ी, फैंस और क्रिकेट प्रेमी इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे और आज शाम भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। अब आज सीरीज के पहले मैच के लिए भारत की टीम तैयार है और टॉस से ठीक पहले कप्तान शिखर धवन ने अपनी टीम फाइनल भी कर दी है। बड़ी बात यह है कि टीम में गब्बर की खूब चली है और हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी शिखर धवन की जिद माननी पड़ी है और गब्बर की जिद से परफेक्ट टीम यहां पर तैयार हो गई है जिसमें ऑलराउंडर्स की भरमार है। तो बताते हैं आज के मैच की फाइनल टीम आपको। आप इस टीम को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो कोलंबो के मैदान में दोपहर 3 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इसके लिए तैयार हैं। हालांकि सीरीज की शुरुआत पहले 13 जुलाई को होनी थी लेकिन फिर इसे पोस्टपोन करके 18 जुलाई किया गया और अब आज शाम पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम को लेकर कई तरह की खबरें थी, कई कयास थे और अब फाइनली आज के मैच के लिए टीम की झलक दिख गई है जो कि परफेक्ट दिख रही है। तो खुद शिखर धवन ही यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे और उनका साथ देंगे दिल्ली कैपिटल्स के उनके साथी पृथ्वी शॉ। यही खबर लंबे समय से आ रही थी और इसमें अब फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, यही फाइनल हो चुका है। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को फाइनल किया गया है जो कि शिखर धवन की पसंद है। हालांकि राहुल द्रविड़ ईशान किशन को खिलाना चाहते थे लेकिन धवन की जिद पर यहां संजू को खिलाया जा रहा है बतौर विकेट कीपर और संजू सैमसन ही तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए भी आएंगे। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलने आएंगे और यादव की जगह भी बिल्कुल पक्की है। हालांकि पहले सूर्या को तीसरे नंबर पर खिलाने की बात कही थी लेकिन अब संजू सैमसन के आने से चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलने आएंगे। पांचवें नंबर पर अनुभवी मनीष पांडे खेलने आएंगे और ये सीरीज पांडे जी के लिए आखिरी सीरीज है और यहाँ अगर वो नहीं खेल पाए, नहीं बल्लेबाजी का जौहर दिखा पाए तो आगे उन्हें चांस नहीं मिलेगा, इतना तय है। और इसीलिए पांडे जी यहाँ पर बड़ी पारियां खेल सकते हैं, उन पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। अब इसके बाद ऑलराउंडर्स की शुरुआत हो रही है। टीम में ऑलराउंडर्स खूब सारे रखे गए हैं। छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलने आएंगे जो कि टीम के लीडिंग ऑलराउंडर भी होंगे और हार्दिक की बैटिंग लंबे समय बाद देखने को मिलेगी तो गेंदबाजी में भी वो अपने जौहर दिखाएंगे। वहीं इसके बाद सातवें नंबर पर स्पिन ऑलराउंडर कुणाल पांड्या खेलने आएंगे जो कि टीम के दूसरे ऑलराउंडर होंगे। टीम के तीसरे ऑलराउंडर के रूप में उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार होंगे क्योंकि भुवी वनडे मैचों में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते रहे और नेट्स पर राहुल द्रविड़ ने उन्हें खूब बैटिंग कराई है और इसीलिए भुवी भी बतौर ऑलराउंडर ही टीम में खेलेंगे। इसके बाद नवे नंबर पर आएंगे एक और ऑलराउंडर दीपक चाहर। जी हाँ, दीपक की बॉलिंग तो खास है, साथ ही साथ दीपक अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं और उनकी बैटिंग को भी हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इस बीच काफी निखारा है और वो यहाँ ऑलराउंडर्स की भूमिका में होंगे और नवे नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे। अब इसके बाद टीम में दो विशुद्ध गेंदबाज रखे गए हैं जो कि दोनों ही स्पिनर हैं, यानी कि कुणाल पांड्या के अलावा दो और स्पिनर टीम में रखे जा रहे हैं और टीम में तीन स्पिनर होंगे तो हार्दिक पांड्या को मिलाकर तीन ही तेज गेंदबाज भी होंगे। स्पिनर के रूप में पहली पसंद युजवेंद्र चहल है और चहल की जगह फाइनल हो गई है और दूसरे स्पिनर के लिए खूब फाइट हुई और अंत में वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर बाजी मारी है। करिश्माई गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को यहां पर पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि राहुल चाहर, कुलदीप यादव और के गौतम को फिलहाल जगह नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर टीम बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। टीम में गब्बर की छाप है क्योंकि संजू और चक्रवर्ती को टीम में शामिल कराने में वो कामयाब रही है और पहले वनडे में ये टीम लंका को कुचल कर रख देगी। बस इंतजार है मैच के शुरू होने का। तो आपका इस टीम को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। अब इस सीरीज के लिए भारत को प्रैक्टिस मैच नहीं दिए गए और इसीलिए टीम इंडिया ने आपस में ही दो टीमें बनाकर दो मैच खेले। पहले इंटर स्क्वाड मैच में कुछ खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया तो वहीं 7 जुलाई को हुए दूसरे इंटर स्क्वाड मैच में कुछ और खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। हालांकि इस दौरान कुछ खिलाड़ी फेल भी हुए लेकिन अब इन दोनों मैचों के बाद, इन दो मुकाबलों के प्रदर्शन के बाद पहले वनडे के लिए टीम करीब करीब फाइनल हो गई है और राहुल द्रविड़ के साथ कप्तान शिखर धवन ने इन्हीं दो इंट्रा स्क्वाड मैचों को अपने टीम चुनने का फॉर्मूला बनाया था और अब फाइनली धवन की मर्जी चल गई है। तो टीम क्या होने वाली है फाइनल वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर कप्तान शिखर धवन लंबे समय बाद टीम इंडिया के लिए ओपन करेंगे। धवन का साथ देंगे पृथ्वी शॉ। जी हाँ, ये फाइनल हो गया है। हालांकि देवदत्त पड्डीकल
और ऋतुराज ने इंट्रा स्क्वाड मैच में शानदार खेल दिखाया था, लेकिन धवन पहले मैच में अपने पार्टनर के रूप में पृथ्वी शॉ को चाहते हैं और द्रविड़ भी इस बात को लेकर मान गए हैं और इसीलिए फाइनली पृथ्वी शॉ को धवन के साथ ओपनिंग स्लॉट में पेयर किया गया है। तीसरे नंबर पर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और तीसरे नंबर पर मनीष पांडे को प्लेस किया जा रहा है। जी हां, पहले संजू सैमसन का नाम यहां पर तीसरे नंबर पर कहा जा रहा था, लेकिन अब इंट्रा स्क्वाड मैच में मनीष पांडे ने शानदार पारियां खेली और वनडे मैच में लंबी पारी खेलने की जरूरत होती है और इसी को देखते हुए पांडे जी को फाइनली वनडे मैच खेलने का मौका दिया जा रहा है और तीसरे नंबर पर आकर मनीष पांडे अपना दमखम दिखाएंगे। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को रखा जा रहा है। यादव ने भी अभ्यास मैच में अच्छे खासे रन बनाए थे और उनका भी खेलना पक्का है। और पांचवें नंबर पर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। अभ्यास मैच में किशन को धवन की टीम में रखा गया था तो संजू सैमसन भूवी की टीम में थे और यहाँ पर किशन को खिलाने का फाइनल फैसला हो चुका है और किशन ही पांचवें नंबर पर आकर बैटिंग भी करेंगे। छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलने आएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पांड्या अब गेंदबाजी भी कर रहे हैं। मीडिया के सामने आए सूर्य कुमार यादव ने बताया था कि पांड्या लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और वो T20 वर्ल्ड कप तक फुल फिटनेस हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा ये तय हो गया है कि पांड्या बॉलिंग करेंगे। हालांकि वो पूरे 10 ओवर नहीं बल्कि 5 से 6 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और इसीलिए उनके अलावा भी टीम में 5 गेंदबाजों को रखा गया है और हार्दिक पांड्या छठे गेंदबाज की भूमिका में होंगे। सातवें नंबर पर खेलने आएंगे स्पिन ऑलराउंडर कुणाल पांड्या, जो कि शानदार फॉर्म में हैं। कुणाल की बैटिंग अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है और इसीलिए कुणाल को सातवें नंबर पर प्लेस किया गया है। वहीं आठवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को खिलाने की खबर है, जो कि टीम के दूसरे स्पिन गेंदबाज भी होंगे। पहले कृष्णप्पा गौतम की जगह यहां पर पक्की मानी जा रही थी, लेकिन बॉलिंग को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को फाइनली टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल रहा है। और टीम के तीसरे स्पिनर होंगे युजवेंद्र चहल। जी हाँ, चहल यहाँ पर भारी पड़े हैं राहुल चाहर और कुलदीप यादव पर। दोनों ही गेंदबाज कलाई के स्पिनर हैं, लेकिन यहाँ पर चहल को इनसे पहले और इनसे बड़ा मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। फिलहाल चहल ही सबसे सीनियर गेंदबाज भी इस टीम में मौजूद है। टीम में 3 स्पिनर रखे जा रहे हैं तो वहीं हार्दिक पांड्या को मिलाकर 3 ही तेज गेंदबाज भी होंगे। भुवनेश्वर कुमार टीम के पहले तेज गेंदबाज होंगे तो दूसरे तेज गेंदबाज होंगे दीपक चाहर। भूवी ने तो इंट्रा स्क्वाड मैच में अद्भुत खेल दिखाया था, वहीं दीपक चाहर भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि नवदीप सैनी का भी चांस दिख रहा है, क्योंकि सैनी भी काफी सटीक गेंदबाजी अब करने लगे हैं और इसका फैसला आखिरी मौके पर होगा और बाकी खिलाड़ी करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। धवन की प्रसन्न पृथ्वी को खिलाया जा रहा है तो वहीं संजू सैमसन जैसे बड़े खिलाड़ी को टीम से बाहर रखा जा रहा है और चक्रवर्ती चहल के रूप में 2 सरप्राइज पैकेज भी टीम में होंगे, जो कि मैच में कमाल कर सकते हैं। तो कितनी ताकतवर है पहले वनडे मैच की ये टीम, क्या इस टीम में किसी बदलाव की जरूरत है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।